श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति और हारेंगे तो देवत्व, जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, भय से उपराम हुआ मानेंगे, अब कीर्ति होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। प्रायः लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म युद्ध नहीं करना पड़ता। वे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है, मैं तो शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि, गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में भी वही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग में किया जाता है। दोनों में केवल बुद्धि का दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्मयोगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। करना दोनों मार्गों में है और वो कर्म भी एक ही है जिसे दोनों मार्गों में किया जाना है। केवल कर्म करने के दृष्टिकोण दो है। अर्जुन, इसी बुद्धि को अब तू कर्म योग के विषय में सुन, जिससे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा। यहां श्री कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब कर्म न बताकर पहले कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। देहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, सीमित फल रूपी दोष नहीं है, इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। आप इस कर्म को समझें और उस पर दो कदम चल भर दें, जो सदगृहस्थ आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है, साधक तो चलते ही हैं। बीज भर डाल दें तो अर्जुन, बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहां कहते हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर कर दें तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता, विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता कि आपको स्वर्ग रिद्धियों या सिद्धियों तक पहुंचाकर छोड़ दे। आप यह साधन भले छोड़ दें, किंतु यह साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। कर्म का यह बीजारोपण अनेक जन्म के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहां परम धाम है, परम गति है। इसी क्रम में आगे कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि
एकेह कुरुनंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम एक ही है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद में शनह शनह अर्जित करना व्यवसाय है। ये व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं, हां, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदमादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति। पार्थ, वे कामात्मानः कामनाओं से युक्त, वेदवादरताः वेद के वाक्यों में अनुरक्त, स्वर्गपराः स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो परम तत्व परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो वो एक निश्चित क्रिया है क्या? श्री कृष्ण अभी ये नहीं बताते, अभी तो केवल इतना कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते, अपितु आलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, न कि वे कुछ पाते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मक बुद्धि नहीं रह जाती। इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती। ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। ऐसे पुरुषों में सम और आदि तत्व में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती। प्रश्न उठता है कि वेद वादरता जो वेद के वचनों में अनुरक्त हैं, क्या वे भी भूल करते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा,
वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए निस्त्रयी गुण्यो भव अर्जुन, अर्जुन तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, निर्द्वंद्व सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को न चाहता हुआ आत्मपरायण हो, इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम ही उठें या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वो विप्र है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वो ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है। ये कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन। कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं, क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है। वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इसके उपरांत